वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश. आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताभ घोष. अमिताभ घोष एक इंडियन राइटर रह चुके हैं एंड ये चैप्टर उन्होंने डेडिकेट किया है अपने दोस्त आगा शाहिद अली के लिए. आगा शाहिद अली एक काफ़ी फेमस पोएट रह चुके हैं हु बिलोंग फ्रॉम कश्मीर. अब इससे पहले मैं इसके आगे की समरी शुरू करूँ, ऐसी ही फुल वीडियोज़ के लिए आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो एक्स्ट्रा क्लास ऐप. अमिताभ इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि शाहिद अली किस तरीके के ह्यूमन बीइंग थे, वो अपनी लाइफ को कैसे लीड करते थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टाइम उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया था वो कैसा था. बताना शुरू करते हैं वो कि ऐसा पहली बार हुआ ऑन 25th April 2001 जब शाहिद अली ने उन्हें बताया अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ. हुआ ये कि अमिताभ ने कॉल किया शाहिद को इस बात को ध्यान में दिलाने के लिए कि आज उन्हें अपने एक दोस्त के घर लंच पे जाना है, तो पहले वो उनके घर पे आएंगे और फिर ये दोनों मिलके जाएंगे उनके दोस्त के घर. मीनवाइल दूसरी तरफ जब शाहिद अली फ़ोन पे ये सारी बातें सुन रहे होते हैं वो अपनी एंगेजमेंट बुक के थ्रू जा रहे होते हैं एंड ही कैन नॉट सी एनीथिंग. तो वो ये बात बोलते हैं अमिताभ को कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है दैट आई एम डाइंग. अब ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं अमिताभ, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने डेथ जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरियस टॉपिक पे कभी बात नहीं करी होती. अब इससे पहले वो कुछ भी रिस्पॉन्ड करते शायद आगे से बोलते हैं आई होप इफ दिस हैपन्स यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, यानी कि अगर ऐसा होता है इफ़ ही डाइज तो अमिताभ उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखेंगे. अमिताभ को कुछ समझ नहीं आया कि वो उनको बोलें तो क्या बोलें, क्या वो उनको ये बोले कि हाँ मैं डेफिनेटली कुछ लिखूंगा इफ़ यू डाई, या फिर वो उन्हें ये बात बोले कि तुम टेंशन मत लो तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे. तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए एंड अब जब शाहिद अली नहीं रहे तो अमिताभ को पता था कि उनको करना क्या है, तो वो पेन उठाते हैं एंड लिखना शुरू करते हैं. जो भी चीज़ें उन्हें याद थी शाहिद अली के बारे में, जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, उन सब चीज़ों से जो वो कंक्लूजन निकाल पाते हैं वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन करते हैं. अमिताभ बताते हैं कि शाहिद अली का और उनका घर काफ़ी पास था, दोनों रहते थे मैनहट्टन में और कुछ ही ब्लॉक्स अवे था इन दोनों का घर. अब इन द ईयर 2000 जब टेस्ट ने ये चीज़ रिवील करी कि शाहिद अली को ब्रेन ट्यूमर है, तब शाहिद अली अपनी यंगेस्ट सिस्टर समीता के घर ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए. एंड ये बताते हैं अमिताभ कि वो शाहिद अली को वैसे इस फेस टू फेस भले ही पहले ना जानते हो, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो पोएम्स है, उनकी जो राइटिंग्स है, उनका जो काम है, उसकी वजह से वो उनको काफ़ी पहले से जानते हैं. इनफैक्ट उनकी 1997 की कलेक्शन में से एक द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस का उनके काम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. सो मच सो दैट अमिताभ ने उनके काम से एक लाइन भी ली थी जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी थी जो बात कर रहा था अबाउट कश्मीर. तो अब अमिताभ ये बात बताते हैं कि शाहिद अली बिलोंग करते थे श्रीनगर से एंड इन्होंने अपनी जो बाकी की पढ़ाई थी वो दिल्ली में कम्प्लीट करी एंड अमिताभ ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई थी. अब ये बताते हैं कि इन दोनों के काफ़ी सारे कॉमन फ्रेंड्स थे एंड इन्हीं कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू इनकी बात होनी शुरू हुई. पहले पहले में तो इनकी स्टार्टिंग में जो बात होती थी वो होती थी फ़ोन पे एक दो बार. तो जैसे ही इनको पता चला कि ये दोनों ही मैनहट्टन में रहते हैं, इनका घर काफ़ी पास है, तो ये कैजुअली मीट करने लगे फॉर लंच एंड इस तरीके से इन लोगों की जो फ्रेंडशिप थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी. एंड अब जब ये लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे तब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कॉमन थी, जैसे कि इनका म्यूचुअल लव फॉर रोगन जोश या फिर ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स या फिर किशोर कुमार के गाने एंड एक म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट. ये सारी चीज़ें उन्हें तब समझ आई जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. अमिताभ बताते हैं कि शायद एक अलग तरीके के इंसान थे, जो हमारी डेली लाइफ होती थी, जो बोरिंग लाइफ होती थी, जो रूटीन लाइफ होती थी, उसमें भी एक जादू, उसमें भी एक मैजिक जो था वो स्टिरअप कर देते थे. एंड ऐसा ही उनको एक इंसिडेंट याद आता है जब वो शायद के ब्रदर और सिस्टर के साथ उन्हें हॉस्पिटल से लाने के लिए गए, तो एक ऐसा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ. अब शाहिद अली से चला तो जा नहीं रहा था लेकिन उन्हें फिर भी चलना था. अब उनका जो हेड था उसको कम्प्लीटली शेव कर दिया गया था और जो ट्यूमर की शेप थी वो क्लियरली विजिबल हो रही थी. एंड अब शाहिद अली चलने की कोशिश तो करते हैं, इतने में जो वार्ड बॉय है उनके लिए चेयर लाता है, लेकिन शाहिद अली दूर से ही एक वेव करके जेस्टर कर देते हैं कि नहीं उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं है, वो चल के जाएंगे. अब वो कोशिश तो करते हैं लेकिन उनसे चला नहीं जाता.
तो उनके जो ब्रदर है वो जाते हैं वार्ड बॉय के साथ मिलकर व्हीलचेयर को लेकर आते हैं। अब जब वो व्हीलचेयर लेकर आते हैं तो वो पूछते हैं वार्ड बॉय से कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। तो क्या बोलता है वार्ड बॉय? वार्ड बॉय बोलता है कि वो बिलोंग करता है फ्रॉम यूकेडर। तो शाहिद अली काफ़ी खुश हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं, अरे स्पेनिश, मुझे हमेशा से ही स्पेनिश सीखनी थी ताकि मैं लोरका के वर्क्स को पढ़ पाता। लोरका एक काफ़ी फेमस स्पेनिश पोइट रह चुके थे एंड उन्हीं के काम को पढ़ने के लिए उनको स्पेनिश सीखनी थी। तो इस तरह से कहाँ वो हॉस्पिटल में थे लेकिन फिर भी उनके अंदर का जो जोश था, उनके अंदर का जो आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन थी, वो हमेशा अलाइव थी। अमिताभ बताते हैं कि शायद उस तरीके के इंसान थे जिनकी जो लाइफ थी, चाहे उसमें कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे उनको ब्रेन ट्यूमर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक कार्निवल की तरह नज़र आती थी। एंड कार्निवल की तरह क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़िंदा दिल थे, उन्हें लोग बहुत पसंद थे अपने घर पे बुलाना, उन्हें कुकिंग बहुत पसंद थी, वो खुद भी खाना बनाते थे एंड इसीलिए वो ऐसे गैदरिंग्स या गेट टुगेदर्स करते थे जहाँ पे लोग आए, जहाँ पे अच्छा म्यूज़िक हो, जहाँ पे अच्छा फूड हो। ये सारी चीज़ें शाहिद अली को बहुत अच्छी लगती थी एंड उनके घर पे कभी भी वो अकेले नहीं होते थे, हमेशा लोग होते थे, म्यूज़िक होता था, अच्छा खाना होता था। एंड इतने ज़्यादा अभी भी उनकी जो सेंसेस थी, चाहे उनको ब्रेन ट्यूमर क्यों ना था, चाहे उनकी जो सेंसेस थी धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं फेड होने लगी थी, कम काम कर रही थी, लेकिन अभी भी उन्हें पता था, खाने की स्मेल से पता चल जाता था कि खाना किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे उसको कौन से इंग्रेडिएंट जो है उसकी नीड है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं वो शाहिद अली के बारे में। अब ऐसे ही बताते हैं कि एक पार्टी जब वो प्लान कर रहे थे, उस पार्टी में वो मिलते हैं काफ़ी फेमस पोएट जेम्स मेरिल से। अब जेम्स मेरिल एक अमेरिकन पोएट थे एंड उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत था शाहिद अली पे। तो शाहिद अली उनसे मिलने के बाद काफ़ी अपनी जो पोइट्री है उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके में लिखने लगे, मीटर्ड तरीके में लिखने लगे, एक नई डायरेक्शन सी मिल गई उनको। अब यहाँ पे बताते हैं वो कि शाहिद अली को बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों से सीखनी अच्छी लगती थी एंड इसी तरह से वो कहते हैं कि अपनी लाइफ को वो लीड करते थे। अब खाने का शौक तो उन्हें हमेशा से ही था, तो एक बार अमिताभ ने उनसे पूछा कि तुम अपनी एक पर्टिकुलर रीजन का जो खाना है उसको लेकर इतना पैशनेट क्यों हो? तो इस बात पे बोलते हैं शाहिद कि एक्चुअली मुझे एक रेकरिंग ड्रीम जो है, या एक ड्रीम ऐसी है जो बार बार आती है, एंड वो ये कि जो कश्मीर वैली है उसमें से जो सारे कश्मीरी पंडित्स हैं वो अब वहाँ नहीं रहते और वहाँ का जो फूड है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, एंड इसीलिए उस डर की वजह से ही मैं इस फूड को, द कश्मीरी फूड इन पंडित स्टाइल, उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ एंड इसीलिए मैं उसको लेके इतना पैशनेट हूँ और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें बंगाली फूड भी बहुत अच्छा लगता था एंड अमिताभ जब उनसे पूछते थे कि तुम तो कभी बंगाल गए ही नहीं, तुम्हें कैसे पता वहाँ का फूड कैसा है, तो वो कहते हैं कि हाँ तो क्या हो गया अगर मैं नहीं गया, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं एंड उन दोस्तों ने ही मुझे खिलाया था, तो वो कहते हैं इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है नए दोस्त बनाना, नए लोगों से बात करना, बिकॉज मैं इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकता हूँ विद इन अ कंट्री ऑल्सो। इन सब के अलावा शाहिद अली को बहुत ही ज़्यादा पसंद था बेगम अख्तर का म्यूज़िक। वो थी एक गज़ल आर्टिस्ट एंड उनको उनकी गज़लें सुनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। इनफैक्ट अमिताभ बताते हैं जैसे ये एक काफ़ी ज़्यादा विटी थी बेगम अख्तर, वैसे ही ये भी शाहिद अली भी काफ़ी ज़्यादा विटी थे एंड उनका जो बोलने का स्टाइल था, उनकी जो लाइफ थी वो भी इसी तरह से पोएटिक थी। तो यहाँ पे वो एक इंसिडेंट बताते हैं एट बार्सिलोना एयरपोर्ट। अब बार्सिलोना एयरपोर्ट पे जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वुमेन थी उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन है एंड वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं एक पोएट हूँ और मैं यहाँ पे पोएट्री लिख रहा हूँ। तो वो उनसे पूछती है कि क्या आप कोई ऐसी चीज़ तो कैरी नहीं कर रहे जिसकी वजह से बाकी सारे पैसेंजर्स को हार्म होगा, तो ये कहते हैं अपने दिल पे हाथ रख के ओनली माय हार्ट। तो इस तरीके के इंसान थे और इस मोमेंट को, इस इंसिडेंट को वो इतना ज़्यादा चेरिश करते थे, लोगों को बताना उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, ये दिखाता था कि उनकी जो लाइफ है उसमें से पोइट्री कभी भी अलग नहीं थी, उनकी लाइफ ही एक तरीके की पोइट्री ही थी। अमिताभ बताते हैं कि शाहिद अली चाहे बाहर ही क्यों ना रहते हो, अमेरिका में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन उन्होंने एक कस्टम बना रखा था कि जो समर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे इन श्रीनगर। तो हर समर्स में वो श्रीनगर जाते थे एंड उन्हें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। अब हैरानी की बात ये थी कि उस टाइम पे कश्मीर की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, पॉलिटिकली कश्मीर इतना स्टेबल नहीं था उस टाइम पे। तो जो भी पोइट्री वो लिखते थे कहीं ना कहीं उस कंडीशन का इम्पैक्ट था उस पर, लेकिन शाहिद अली ने कभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया।
इनफैक्ट वो ये कहते थे कि उनका जो काम है वो काफ़ी अलग है एंड इन सब चीज़ों से बन के नहीं है। वो कहते थे कि अगर आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, जो काफ़ी डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, और आप उसी के बारे में लिखोगे, सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ के बैठोगे, तो आप अपने आप को एक आर्टिस्ट नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखता है। बट आयरनी तो ये है कि उनके जितने भी बेस्ट वर्क्स निकल के आए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकली सिचुएशन थी उस टाइम पे कश्मीर की, उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। शाहिद अली हमेशा बिलीव करते थे रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग रखने में, लेकिन उनकी जो पोइट्री थी वो हमेशा ही एक तरीके की इंक्लूसिव थी, यानी कि वो सबको साथ में लेकर चलने वाली थी। इनफैक्ट शाहिद अली बताते थे अमिताभ को कि एक बार बचपन में उनका मन किया कि वो अपने घर पे एक हिंदू टेम्पल बनाए, एंड जब उन्होंने ये बात बताई अपने पेरेंट्स को, तो उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी स्ट्रेंज एक्ट नहीं किया, इनफैक्ट उनकी मदद करी। उनकी मदर जो मूर्तियां हैं वो लेकर आई, डेकोरेशन का सामान है वो लेकर आई, एंड ये शो करता है कि डेफिनेटली शाहिद अली एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए रिलीजन कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना थे, लेकिन फिर भी एक हिंदू टेम्पल अपने घर में बनाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इनफैक्ट वो ऐसी चीज़ करना चाहते थे। अब 5 मई को शाहिद अली का जो स्कैन है दैट वाज एक्सपेक्टेड, बेसिकली जो इस रिजल्ट को बताता कि जो कीमोथेरेपी हो रही है उसका जो इफेक्ट है वो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो नज़र आ रहा है शाहिद अली पे कि नहीं। तो काफ़ी सारे कॉल्स करते हैं अमिताभ शाहिद को, लेकिन शाहिद कॉल नहीं उठाते। अब अगले दिन जब वो उन्हें वापस कॉल करते हैं, तो उन्हें रिकॉल करते हैं इस बात को कि उनके बीच में टेलीफोनिक जो कॉन्वर्सेशन थी वो क्या थी। अब अगले दिन जब वो उन्हें कॉल करते हैं और शाहिद उठाते हैं फ़ोन, तो वो कहते हैं देखो अमिताभ, बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अब जो मेरा ट्रीटमेंट है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझ पर कोई भी रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है, इसीलिए अभी जो कीमोथेरेपी है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात होती है, तो अमिताभ उनसे पूछते हैं कि शाहिद अब तुम क्या करोगे। तो फिर इस पे शायद बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं जाऊँगा वापस अपनी कंट्री, मैं जाऊँगा अपनी जगह पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स, इन दो लोगों को कोई ही प्रॉब्लम हो, तो मैं जाकर अपनी विल वगैरह और सारे जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल करूँगा, एंड मैं चाहूँगा कि व्हेन आई डाई तो मुझे वहीं बरी करा जाए। लेकिन अमिताभ बताते हैं लेटर ड्यू टू सम लॉजिकल रीजंस वो नहीं जाते वापस कश्मीर। इनफैक्ट जब ही डाइज तो उनको बरी किया जाता है इन नॉर्थहैम्पटन इन अर्नहेस्ट, बेसिकली उस जगह पे जो टाउन फेमस था या जो टाउन सेक्रेट था फॉर द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड पोएट एमिली डिकिंसन। तो अब वो क्या कहते हैं, अब उन्हें याद आता है कि लास्ट टाइम वो मिले थे उनसे 27 अक्टूबर को, एंड उस टाइम पे उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स सब उनके पास थे, और ऐसा लग रहा था कि इवन इफ ही डाइज तो उनकी जो फैमिली, फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस हैं वो उनके साथ रहेंगे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होने वाली है उनकी डेथ। तो अब वो रिकॉल करते हैं कि एक बार शाहिद अली ने उन्हें ये बात बताई थी कि उनको हमेशा इस बात के लिए लगता रहेगा कि इवन इफ़ ही डाइज तो मरने के बाद भी वो खुश होंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को रखते हैं अपने मन में कि शायद कहीं ना कहीं अगर कोई आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो मैं उसमें बेसिकली अपनी मदर से मिलूँगा। तो ये उनके मन में बात रहती है, एंड अब 8 दिसंबर को बेसिकली ही डाइज, एंड इस बात को ध्यान करते हैं अमिताभ कि उस टाइम पे जब एक्चुअली में वो हम सब लोगों से अपना फेयरवेल ले रहे थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आई ड्रीम दैट आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, यानी कि शाहिद कहते हैं कि उन्हें अब इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि वो अब अपनी लाइफ के घाट पे हैं, दैट मीन्स वो अपनी लाइफ के एज पे हैं, एंड इससे ज़्यादा अब उनकी जो लाइफ है वो नहीं बची। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है इसका भी यही इम्पोर्टेंस है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे शाहिद अली को पता चल गया था कि अब उनका टाइम आ चुका है एंड ही इज़ एट द एज, या वो घाट में है अपने वर्ल्ड के। तो यहीं पे ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये तो थी इस चैप्टर की समरी, जहाँ मैंने आपको बताया कि अमिताभ ने कितने ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है शाहिद अली को, उनके बारे में बताया है, एंड एक तरीके से उन्होंने अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल किया है, क्योंकि शाहिद अली चाहते थे कि अमिताभ उनको सिर्फ इस चीज़ से ना याद रखे कि उनको अगर उनसे कोई बात करता है कि हाँ शाहिद अली वैसा था वैसे थे तो ऐसे याद रखे, बट वो चाहते थे कि थ्रू वर्ड्स उन्हें याद रखे ताकि वो हमेशा लिव कर सके। तो एक तरीके से वो अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, एंड हम यहाँ देखते हैं कितने ब्यूटिफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने दोस्त शाहिद अली को।
So that's all for this video. इस वीडियो में तो हमने देखी the Ghat of the only world की summary. अब इसके जैसी बाकी सारी full videos के लिए आप जाइए and download कर लीजिए ExtraClass app. So until the next video, keep practicing, keep learning.